सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमरा नॉट ओपनिंग के बारे में, जहां पे अगर आपके फ़ोन में कैमरा का जो ऐप है वहां पे जब आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वापस आ जा रहा है तो कैमरा नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हो तो इस फ़ोन में आपको दिखाएगा, वीवो का फ़ोन है, इसमें दिखाएगा क्लीन नाउ। अगर आप क्लीन नाउ पे भी क्लिक करते हो तो इसमें कुछ नहीं होता, क्लीन नाउ तो हो जाता है लेकिन फिर से वही आता है। क्लीन नाउ पे हम एक बार प्रेस करके देख लेते हैं लेकिन नहीं, प्रॉब्लम सेम ही आ रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपके फ़ोन में ऐसा आ रहा है तो ये जो मेरा फ़ोन का स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ ये स्टेप आप फॉलो कीजिए। आप इसको एक बार कैमरा सेटिंग को जो क्लियर डाटा होता है उसको आप एक बार क्लियर डाटा करके देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है और क्या क्या करने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मैंने जो है फ़ोन को खोल के रखा है, तो आप भी अपना फ़ोन अगर आप खोल सकते हो तो आप फ़ोन को खोल लीजिए और उसके बाद आप फ़ोन को पूरा खोलने के बाद आप जो कैमरा होता है ये प्रॉब्लम दो तरीके से हो सकता है। एक तो अगर ये वाटर डैमेज है तो कैमरा का जो कनेक्टर है वहाँ पे कार्बन आ जाता है, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और वाटर डैमेज से ये जो रेयर कैमरा है ये ख़राब भी हो सकता है। तो पहले जो मेरा स्टेप है वो तो मैं देखूंगा कि पहले जो कनेक्टर है यहाँ पे रेयर में तीन कैमरा दिया गया है तो इसको हम तीनों को यहाँ से उठाए के इसका जो कनेक्टर है उसको साफ करेंगे। उसके बाद जो फ्रंट कैमरा है उसको भी हम क्लीन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। अगर ये सब क्लीन करने के बाद भी आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है कैमरा नॉट ओपनिंग का तो उसके बाद आपको जो रेयर कैमरा है वो ख़राब हो चुका है तो इसको आपको नया ख़रीदना पड़ेगा। आप अमेजोन से या गूगल से आप सर्च करके खरीद सकते हो, जिस मॉडल का आपका फ़ोन है उस मॉडल का रेयर कैमरा आप सेम मॉडल का खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो कैमरा है सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं एक बार इसको साफ करके देख लेता हूँ कि ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये कैमरा ख़राब हो गया है या कनेक्टर में पानी जाने से ऐसा हुआ है। तो ये जो मेरा फ़ोन है ये भी एक बार पानी में गया था, इसके बाद ये प्रॉब्लम आ रहा था। और अगर आपके फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और आपके फ़ोन पानी में भी नहीं गया है तो आप सबसे पहले जो क्लियर डाटा होता है कैमरा के ऐप में जो सेटिंग्स में वहाँ पे जाके एक बार क्लियर डाटा करके आप एक बार फर्स्ट चेक कीजिए, उसके बाद इस प्रोसेस को आप अपनाएं तो बेहतर होगा। सो मैं यहाँ पे जो मेरा वाटर डैमेज फ़ोन है वहाँ पर मैं क्लीन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो वाटर डैमेज में दो ही चांस होते हैं, एक तो कनेक्टर में कार्बन अगर आ जाता है उसके वजह से कैमरा ओपन नहीं होता है, और जो सबसे ज़्यादा देखा गया है फ़ोनों में वाटर डैमेज होने के बाद कैमरा के साथ क्या होता है वो कैमरा ख़राब हो जाता है। रेयर कैमरा ख़राब होने से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो ज़्यादातर मैं उसको वॉश करके मैं फ़ोन को सेटिंग कर के मैं आपको ऑन कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा कि हो रहा है कि नहीं। तो आप देखिए वीडियो को तो समझ में आ जाएगा कि आपका जो फ़ोन है वो कैसा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से कैमरा ऑन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करूँगा हो रहा है कि नहीं, आप देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। और मैं अगर कोई ऐप से इसको देखता हूँ कोई अलग सा ऐप लेके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैंने ऐप लिया है, उस ऐप से अगर बार बार आप टच करते हो तो वैसे वाइट कैमरा आ जाएगा। तो ये समझ जाना कि आपका जो कैमरा है वो ख़राब हो चुका है, इसको आपको ऑनलाइन बाय करना पड़ेगा। तो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन से अगर आपका कोई भी फ़ायदा होता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपका फ़ोन से रिलेटेड ऐसा बहुत सारा वीडियोज़ आएगा सो आपको फ़ायदा हो सकता है इस चैनल से। सो थैंक यू वेरी मच।